नमस्कार, मैं गुंजन कपूर और आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज। रविवार को होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में देरी करने के अनुरोध को अस्वीकार किया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट यूजी परीक्षा के पूर्ण निर्धारण के लिए निर्देश देने वाली एक रिट याचिका को खारिज किया। नीट यूजी परीक्षा 2021 12 सितंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी। कोर्ट ने उन छात्रों के एक बैच की याचिका को खारिज कर दिया है जिन्होंने तर्क दिया था कि प्रवेश परीक्षा अन्य परीक्षाओं से टकराएगी, यह कहते हुए कि 16 लाख से अधिक छात्र नीट देते हैं। कुछ छात्रों की याचिका पर इसे टाला नहीं जा सकता। हम इस याचिका पर विचार नहीं करेंगे, परीक्षा जारी रहने दें। जस्टिस A.M. खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस C.T. रवि कुमार की बेंच ने कहा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने 3 सितंबर को पीठ को स्पष्ट किया था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि तब तक CBSE के परिणाम घोषित नहीं किए जाएंगे। NTA ने कहा, परिणाम की घोषणा न करने से छात्रों को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाएगा और परिणाम केवल काउंसलिंग के दौरान ही मांगे जाएंगे। एडवोकेट सुमन नोकाला द्वारा दायर याचिका में 12 सितंबर को नीट यूजी 2021 के सार्वजनिक नोटिस को स्पष्ट रूप से मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के रूप में रद्द करने की मांग की गई थी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का पता आपको टाइम पे चल सके। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सर्च इंडिया न्यूज़।